Hello everyone, welcome to VTech News. Today we will talk about Jio Recharge, and especially Diwali offer what they are providing us. Now question arises, Jio Recharge of Rs. 399 will get you 100% cash back. These are the highlight points Jio is providing, but how? And the second thing which comes in most of the people's mind is, really? So we will answer all this in VTech News. So follow the specified video. First of all, Jio Diwali offer will be followed on 399 recharge. And second thing, it will be provided to Jio Prime members only. And thirdly, it will be followed within October 12 to October 18, 2017 only. Means 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में ही आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं. अगली बात जो सामने आती है कि ये जो आपको वाउचर्स मिलेंगे वो अवेल कब आप फॉलोअप कर पाएंगे. ऑब्वियसली वो वाउचर्स नए प्लान जो इफेक्टिव हो जाएंगे वो आपका 19 अक्टूबर से हो जाएंगे. आपको करीबन 8 कैशबैक वाउचर्स मिलेंगे ₹50 के, ठीक है, जो कि आप ईजिली रिफंडेबल कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो रिफंडेबल डेट है आपकी 15 नवंबर, उसके बाद ही आप इसको रिफंड कर सकते हैं, मतलब रिडीम कह सकते हैं. अगर आप रिफंड ना कहें रिडीम कहें तो रिडीम कर सकते हैं, ठीक है. अगली बात, कहां कहां से हम कर सकते हैं. मैं तो कहूंगा कि आप माई जियो ऐप या फोन पे ऐप से फॉलोअप करिए, ठीक है, जो कि ट्रस्ट वर्दी है और ईजिली आप इसको फॉलोअप करेंगे. बाकी जियो के अगर किसी भी काउंटर पर जाएंगे वहां से भी आप उसको करवा सकते हैं. अगर ऑनलाइन बेसिस पे कर रहे हैं तो इन दोनों को ज़्यादा फॉलोअप कीजिएगा, ठीक है. अब जियो धन धना ऑफर, जैसे मैंने आपको बताया कि करीबन 8 वाउचर आपको मिलेंगे ₹50-50 के, टोटल बनता है ₹400. तो मतलब जियो एक तरह से आपको 399 के प्लान के अंदर ₹400 वापस दे रहा है, लेकिन असल में ये दे रहा है, इसको समझते हैं हम. देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि आप 399 का जो प्लान कहीं से भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, उसकी माई जियो ऐप से कर सकते हैं, jio.com से कर सकते हैं, जियो स्टोर के कई तरह के आउटलेट्स होते हैं हमारे पास, रिलायंस डिजिटल के भी कई तरह के आउटलेट्स हैं, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन बेसिस में देखें तो जियो मनी, पेटीएम, अमेजन पे या मोबीक किन्हीं से भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है. अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह से फॉलोअप कर रहा है. मान लीजिए आपने रिचार्ज करवा लिया 399 का और आपको वाउचर्स मिल गए, ठीक है, और अगली बारी आप जब रिचार्ज करा रहे हैं, मान लीजिए आपने 309 का रिचार्ज करवाया, ₹50 का कैशबैक आपको हर रिचार्ज पे मिल रहा है, ठीक है, करीबन 8 रिचार्जेस हैं आपको वो अवेल करने हैं, ठीक है. तो अगली बार आप पेमेंट 309 की नहीं करेंगे, 259 की करेंगे, ठीक है. और इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा, कंपनी का अगर देखें तो उन्होंने एक बड़ी गेम खेली है. बड़ी गेम कैसे खेली है कि 2 साल तक आपको अपने साथ जोड़ने का कोशिश की है. कैसे, देखिए, 50 का कैशबैक वाउचर जो कि आप 3 महीने बाद ही फॉलो करेंगे, क्योंकि 399 का आपका प्लान फॉलो होगा कब तक, 399 का प्लान आपका फॉलोअप होगा ऑब्वियसली 3 महीने के लिए. उसके बाद अगर आप 309 या 399 या आगे फॉलोअप करते हैं, ठीक है, तो फिर अगले 3 महीने, मतलब अगर आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली 50 का कैशबैक आपको मिल रहा है हर बार, तो 24 महीने बनते हैं. 24 महीने मतलब 2 साल के लिए कंपनी ने आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, ठीक है. ये अब आपके तरफ से है कि आप उसको आप जुड़ना चाहते हैं या कुछ और चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट्स पहले देखना चाहते हैं, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, आप अवेल कर सकते हैं. मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा कि हाँ जी, जो चीज़ आपको एज ए कैशबैक मिले तो उसको ले लेना चाहिए, ठीक है. बाकी भूलिए नहीं, VTech न्यूज़ ऐसी और कई न्यूज़ आपके पास ले लाते रहेंगे. इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, कुछ आपको फीडबैक्स अगर देने हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे.